नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु सरकार के एक बहुत ही बड़े जो है डिसीजन के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में आपने कई प्रकार का रिजर्वेशन देखा होगा, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने एक नए प्रकार के जो है रिजर्वेशन की घोषणा की है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। और ये जो रिजर्वेशन रहेगा दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स की जो सीट रहती हैं MBBS में, उसके लिए ये रिजर्वेशन रहेगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, पिछले दिनों तमिलनाडु सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एक नए प्रकार के जो है रिजर्वेशन की घोषणा की है। ये दोस्तों जो घोषणा की है तमिलनाडु में, मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको तमिलनाडु की जो मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं उनमें 7.5% का जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों 7.5% तमिलनाडु की जो मेडिकल कॉलेजों की जो सीट हैं वो उन स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहेंगी, उन स्टूडेंट के लिए आरक्षित रहेंगी जो वहाँ के जो है सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको मेडिकल की कॉलेजों में 7.5% जो है रिजर्वेशन दिया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस प्रकार के रिजर्वेशन पर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और आप और किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।